किसान आंदोलन, किसान नहीं है वो, वो किसान नहीं है, वो बदमाश आदमी केजरीवाल और कांग्रेस ने भेजे। अरे अन्नदाता है वो, अन्नदाता, अन्नदाता तो अपने खेती कर रहे हैं, पंजाब के जो सही किसान है वो भी खेती कर रहे हैं। अरे वो एमएसपी की बात करते हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, बढ़िया उनको मिल रहा है। कांग्रेस के राज में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, 1100 रुपए क्विंटल गेहूँ लेते थे। मनमोहन सिंह के टाइम जब प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार थी, 1100 रुपए क्विंटल गेहूँ था। अब मोदी सरकार में 2300 रुपए क्विंटल गेहूँ ले रहे हैं उनका। कर्ज माफी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट वालों का कर्ज माफ कर दिया जा रहा है। किसी का कर्ज माफ नहीं कर रहा। हमारी अडानी की बात आती है, अडानी को तो फायदा, राहुल गांधी पंजाब का रिश्तेदार है अडानी, राहुल गांधी का आरोप तो बीजेपी पर लगता है, मोदी जी के ऊपर लगता है। उसके कहने से नहीं लगते ना, माफी कितने दिन मांगी है राहुल गांधी ने, माफी कोर्ट में जाके मांगी थी ना। लेकिन कैसे हो पाएगा, हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अब लगातार किसान आंदोलन हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था। अब भाई ये किसान नहीं है, इससे पहले भी आए थे दिल्ली में, और लाल किले पे इन्होंने तिरंगा झंडा उतार के खालिस्तानियों का झंडा लगा दिया था लाल किले पे। अब मोदी जी उनको यहाँ आने का मौका नहीं देंगे। हरियाणा पुलिस वहाँ पे, हरियाणा पुलिस पत्थर मारते हैं ना, हरियाणा पुलिस उनको यहाँ आने नहीं देगी दिल्ली पे। पुलिस भी तो बुलेट चलाई है ना, रबड़ बुलेट, पहले पत्थर क्यों चलाया उन्होंने? पत्थर चलाओगे तुम किसी को मारोगे तो अपने बचाव के लिए चलाएगी वो तो चलाएगी। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? संजय नाम है मेरा। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र है 50 साल। 50 साल की राजनीतिक समीकरण देख चुके हैं आप? सारा कुछ देखा, सब जानता हूँ। सबसे बड़ा ठग दिल्ली का केजरीवाल, चोर एक नंबर का बेईमान। ईडी पे आरोप लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े महाराज, ईडी पे आरोप लगा रहे हैं, अगर ये ईमानदार तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आज भी वही अपने घर से ही बैठे, कोर्ट का वो जो इसका डेट थी जाने की, आज भी नहीं पहुंचा वो। कह रहा है जनाब मैं 16 मार्च को पेश हूँ। लगा दिया जाता है विपक्ष के पीछे केवल, बीजेपी में सबको ठीक है क्या? पहली बार ही ऐसा होता है जो ईडी को सीबीआई को खुला काम करने की चुनौती दी है। इससे पहले नहीं दिया गया था? इससे पहले कभी नहीं दिया गया था, इससे पहले बेईमानी होती थी, अब बेईमानी नहीं है। अब जो भ्रष्टाचारी है, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करूंगा, वो कर रहे हैं। मोदी जी ने साफ कहा था राम मंदिर बनवाऊंगा, बनवा दिया। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करूंगा, करवा दी, समझ गए? 370 हटाऊंगा, हटा दिया। 3 तलाक जो लेडीजों के साथ, दिल्ली वाले केजरीवाल जी के ऊपर ऐसे बोलते हैं महाराज, ईडी को बार बार ऐसे किया जाता है कि जो जितनी भी विपक्ष, केजरीवाल का तो पूछो ही मत ना, कितने घोटाले केजरीवाल के गिनवाऊं। दिल्ली के लोगों को शराब, दिल्ली के लोगों को इसने शराबी बना दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, इसके चार चार। शिक्षा इतनी बढ़िया कर दिया, वही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, वही शराब मंत्री, वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री। दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के स्कूल जाके देखो, खराब है बिल्कुल, ऐसे ही पास कर देते थे। शिक्षा में तो बड़ा मॉडल स्थापित करते हैं, बोलते हैं कि बहुत बड़ा मॉडल है। अरे दिल्ली के स्कूल ही खराब हो गए जब से ये आया झूठा केजरीवाल, हर बात पे झूठा प्रचार करता है, सबसे गलत केजरीवाल, झूठ बोलने में नंबर वन। अब बीजेपी वाले सब ठीक है क्या? बीजेपी वाले मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। बात आती है जब की ईडी के दुरुपयोग होता है, उसमें हेमंत बिश्व शर्मा का नाम आता है, नाम आता है अजीत पवार का, ये लोग भाग के आ गए बीजेपी। तो कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, अजीत हेमंत बिश्व शर्मा को, अजीत उसको कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, तभी बीजेपी में आया है। केजरीवाल जी के मंत्री को आप ऐसे बोल रहे हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो केजरीवाल है बेईमान इसमें? लेकिन मॉडल इतना अच्छा स्थापित किया है ना, कोई मॉडल नहीं किया, दिल्ली के लोगों को शराबी बना दिया, ये मॉडल स्थापित। सुन लो केजरीवाल ने क्या किया, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जो कहते हैं मुफ्त इलाज हो रहा है, वहाँ कोई गरीब आदमी जाता है उसका इलाज नहीं होता, उसके टेस्ट भी नहीं फ्री होते। ये 2 नंबर में टेस्ट, ऐसे 2 नंबर में टेस्ट बिना फ़ोन के घपला किए इन्होंने, 660,000 टेस्ट फ्री में करवाए, जिसमें करोड़ों रुपये इन्होंने घपला किया उसके अंदर भी, जो लोगों के टेस्ट करते ही नहीं है, ऐसे बेनामी टेस्ट करके इलेक्शन में पैसा लगा रहे हैं। जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, दुनिया भर के घोटाले केजरीवाल ने किए हैं। ये वही केजरीवाल है जो कल तक कहता था कांग्रेस चोर है, ममता बनर्जी चोर है, लालू प्रसाद चोर है, आज उनके साथ क्यों टोली में जाके बैठा हुआ है? केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर रहे हैं, इसलिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे पीछे लगा रहे हैं। मोदी जी किसी से नहीं डरते, मोदी जी भगवान है, मोदी जी किसी से नहीं डरते, उनके साथ पूरी देश की जनता है। कैसे भगवान है वो, इतना विकास देश को पीछे लेके जा रहे हैं, क्यों देश इतना आगे बढ़ रहा है, पीछे को नहीं लेकर ऐसे आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ता तो किसान आंदोलन करते, किसानों को इतना बढ़िया पैसा मिल रहा है एमएसपी का, जो कांग्रेस के राज में 1100 रुपए क्विंटल गेहूँ लेते थे मनमोहन सिंह के टाइम पे, जो मनमोहन सिंह जी 1100 रुपए क्विंटल गेहूँ का देते थे, मोदी के राज में 2300 रुपए क्विंटल इनको गेहूँ का दाम मिल रहा है, चीनी का दाम ज्यादा मिल रहा है, हर फसल का दाम इनको कांग्रेस से ज्यादा मिल रहा है। इनकी आइडियोलॉजी बहुत अलग है बाकी नेताओं से, ये केवल मंदिर मस्जिद वाली आइडियोलॉजी के साथ है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये तो विपक्षी पार्टियों ने लफड़ा पाल रखा था, जो 500 साल का लफड़ा था राम मंदिर का,
विपक्षी पार्टी उसमें राजनीति करती थी, मोदी जी तो आए उन्होंने। वो लोग बोलते कि राजनीति ये लोग करते थे इतने दिनों से नहीं, वो तो करते, वो तो मरवाते थे, गोली चलाते थे। मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, उन्होंने गोली चलाई थी रामसेवकों पे। मोदी जी ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करूंगा, वो कर रहे हैं। राम मंदिर बनवाऊंगा, बनवा दिया। धारा 370 हटवाऊंगा, हटवा दी। 35 हटवाऊंगा, हटवा दी। 3 तलाक में मुस्लिम बहनों को तंग करते थे, उनके आदमी उनको तलाक देते थे, जरा सा नमक कम है और 3 तलाक में सजा दिलवा दी। अच्छा, इन सभी से महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? विपक्ष बार बार ये बात बोल रहा है। अरे महंगाई तो है ही नहीं, सरकार कोई सी भी है महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। महंगाई कोई नहीं, जनता खुश है। 5 साल के आने में 5 साल के लिए गरीब आदमी ने राशन फ्री कर दिया मोदी जी ने, ताकि गरीब आदमी कोई भूखा ना सोए, हर किसी को राशन मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। मोदी जी पहली ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास जो था उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है, जो मोदी जी के पास था अपना सब कुछ दान में दे दिया है। मोदी जी के परिवार के आदमी परचून की दुकान करते हैं, कबाड़ी की दुकान करते हैं, उनके परिवार की तरह नहीं है, जैसे कांग्रेस का परिवार है, मुलायम सिंह का परिवार है, जैसे केजरीवाल का परिवार है, ममता बनर्जी का परिवार है, अपने परिवारों को फायदा पहुंचाते हैं। मोदी जी अपने परिवार को कोई फायदा नहीं पहुंचाते। अरे इनके सामने इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन गया है, अब तो इनका खत्म बाजार है। वो इंडिया गठबंधन नहीं, वो चोरों का गठबंधन है। नोटबंदी के अंदर उनका पैसा खत्म हो गया है, वो सोचते दोबारा मौका मिले फिर देश को लूटे। अब तो बेकार थी, वो बोलते हैं बार बार। अरे नोटबंदी तो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, जो इनका काला पैसा नेताओं का सारा मर गया। ये सारे फिर सोच रहे कि देश के हमारी सरकार वापस आ जाए तो हम लूटे, लेकिन अब मोदी जी आएंगे, विपक्षी पार्टी नहीं आती। इतनी बड़ी इंडिया गठबंधन के सामने सिर्फ एनडीए और मोदी की बात करना है, सिर्फ एक चेहरा। चोर है, चोर। विपक्षी गठबंधन चोरों का गठबंधन है, चोरों का गठबंधन। बीजेपी ठीक है? बीजेपी बढ़िया, योगी और मोदी के राज में बीजेपी ठीक है। तो सिर्फ तब तो पूरे बीजेपी में सिर्फ 2 आइडियोलॉजी हो गई, मोदी और योगी। आने वाले 10 साल बाद, अभी 10 साल और योगी संभालेंगे यूपी को, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम इनका घोषित होगा और पूरा देश खुश होकर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। लिख लो ये मेरी बात। तो योगी जी भी तो मंदिर मस्जिद वाली राजनीति कर रहे हैं इस समय? ये नहीं करते, विपक्षी पार्टी करती थी। योगी जी के ऊपर आरोप लगते हैं ना, बड़े वाले है? योगी जी के ऊपर आरोप लगाने को कोई, मैं तुम्हारे पे आरोप लगा दूंगा। शिक्षा को लेकर नहीं कुछ करते हैं सिर्फ? अरे भाई, किसी के आरोप लगाने से आरोप नहीं लगते। मैं मंदिर मंदिर बना, अस्पताल बना, नहीं तुम ठग हो, तुम चोर बेईमान हो, तुम भ्रष्टाचार। मेरे कहने से हो जाओगे क्या? किसी के कहने से कोई नहीं होता, साबित करना पड़ता। सिर्फ मंदिर बना रहे हैं, अस्पताल नहीं बना रहे हैं। अस्पताल बना रहे हैं, इतनी जगह पड़ी हुई है, इतने ये बंगले पड़े हैं विपक्षी पार्टियों के, इतनी जमीनें लालू प्रसाद यादव ने ली, वहाँ स्कूल बना रहे, वहाँ क्यों नहीं बनाते? रेलवे नौकरी के बदले जमीनें ले लेके नौकरियाँ दी, वहाँ बना रहे स्कूल विपक्षी पार्टी में। राम का माल इतना इकट्ठा हुआ, चोर चोर मुसेरे भाई, वहाँ क्यों नहीं बनाते स्कूल? बना रहे स्कूल वहाँ पे। राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं मोदी को हराने के लिए, मोदी का ग्राफ ऊंचा चला गया है, किसान धरने को बैठे हैं, क्या लगता है 24 में? 24 में मोदी सरकार आएंगे। काहे आएगा? इसलिए आएंगे कि बंदा काम सही कर रहे हैं। क्या सही काम कर दिया महाराज? नगर में बिल्कुल बढ़िया, नंबर 1 है सरकार। कैसे नंबर 1 है? किसान बैठे हैं, किसान धरना पे। किसान की क्या बात है भाई, धरना पे तो हम 10-20 बंदे इकट्ठा होकर लाल किला के सामने बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल कर लेंगे, जूस पीते रहेंगे, हमें चाहिए 15 लाख रुपए। ये क्या इंसाफ है? किसान ने, मानता हूँ मैं किसान हूँ, किसान ने अपनी धान गेहूँ उपजाया, उसकी कीमत लेते हैं वो, अन्नदाता नहीं हो गए। अन्नदाता उन्हें कहते हैं जिसकी कीमत ना लिया जाए, ठीक है? जब हम कोई चीज बेचते हैं उसकी गर्माहट कम होती है। तो उनकी डिमांड सरकार मांग क्यों नहीं मान रही? ये बताओ, वो तो पिछले साल आए थे लाल किला में, झंडा आके किसान ने फहरा दिया। क्या ये अच्छी बात है? ये है हमारा लाल किला पे झंडा फहराया किसान ने, ये क्या मतलब हो गया? उनकी मांग कैसे? किसानों की अगर मांग मान ली जाए तो उसके लिए कम से कम 25-30% महंगाई के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं ना कि आम पब्लिक पे सारा बोझ पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। सरकार उनको, और ये सरकार किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार को तकलीफ क्यों हो जा रही है? सरकार क्या, सरकार के जो किसान आए केवल 5 या 10% किसान है, कोई नीचे नोर साउथ का कोई किसान नहीं है, ना वेस्ट, ना साउथ का किसान है, ना वेस्ट का है, ना इधर का है, केवल कुछ उत्तर की, कुछ पंजाब की लॉबी है, वो किसान आ रहे हैं। वो ट्रैक्टर कौन से बढ़िया बढ़िया रोल्स रॉयल, किसान ट्रैक्टर नहीं रख सकता है क्या? गाड़ी नहीं रख सकता? बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पर आ रहे हैं, फुल मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब आम पब्लिक को परेशान करने का क्या मतलब है? मैं किसान नहीं हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आम नहीं, ट्रैफिक जाम है, हर आदमी कोई जा नहीं सकता, ये कोई तरीका थोड़ा कोई है। आपने मांग रहे हैं, इसमें बुरा क्या बात है? तो मांग माने ना, लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अपना चुपचाप शांति करो, पिछली बार मांग मानने के चक्कर में लाल किले के ऊपर चढ़ गए। तो सरकार किसान की विरोधी है क्या? नहीं, सरकार कोई विरोधी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मानती? विरोधी होती तो पीछे भी वो गोली चला सकती, गोली नहीं चलाई सरकार ने। इनको कुछ बंदे भड़का रहे हैं कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन भड़का रहा है?
सबको पता है ये तो कौन भड़का रहा है, सबको पता है कौन भड़का रहा है, कुछ पार्टियां भड़का रही हैं, देख रही हैं मोदी अगर वो ऊपर जा रहा है इसलिए, बाकी अंदर खाने सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मोदी जी किसानों के विरोधी बनते जा रहे हैं, किसानों की डिमांड मांग नहीं नहीं मानते हैं, इसके पहले झुक गए थे कि हमें ये तीनों कानून वापस लेते हैं। वो झुकना पड़ा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मांग जो मानने वाली होती है मानी जाती है, पीछे जो हुआ तो। लेकिन ये कर्ज माफी की मांग करते हैं और सवाल आता है कि कॉरपोरेट वालों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, किसानों की माफ करने में क्या होता है? कोई ऐसा कुछ पेपर नहीं आया कि कॉर्पोरेट का कर्ज माफ किया, पीछे इतना हल्ला मचाया उन्होंने, LIC डूब गई, वो डूब गया, कुछ वो लोग कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट का माफ हो जाता है कुछ, वो तो प्रूफ नहीं देते ना, तो पता नहीं क्या 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 कुछ बोलते हैं। किसानों के ऊपर कर्ज तो माफ नहीं होना चाहिए, नहीं कर्ज तो होना, कर्ज क्या बहुत गरीब इंसानों पे होना चाहिए ना, ये तो सारे जमींदार किसान टोटल बड़े बड़े हैं, उन पर उनका क्या मतलब है माफ होने का, वो तो उनके पास उनके मतलब बल्कि टैक्स भी लगना चाहिए, इनकम टैक्स भी लगना चाहिए उनके ऊपर, तो गरीब किसान को छोड़ना चाहिए ना, जो बेचारा लेबर है जो मजदूरी करता है वहाँ पे बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता बेचारों को, और ये MSP के नाम पे उनसे खरीद के जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए 10,000 महीने की मांग कर रहे हैं। अरे पहले तो कोई गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, इन्होंने तो फिर चालू किया 6,000 रुपये हर साल गवर्नमेंट डाल रही है, कब से डाल रही है ये, तो ये भी तो देखो ना, अब कोविड के मोर्चे पे भी इन्होंने संभाला हर चीज़, इसकी हम कैसे बुराई कर सकते हैं, आप भी देखो ना। तो मोदी जी अगर आप गिरेगा निश्चित है क्या मतलब, मोदी अगर आप तो ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है, अगर आप गिरना चाहिए ना, मतलब ही नहीं ना सर, आप देखना ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, राहुल जी यात्रा पे हैं, राहुल जी चारों तरफ घूम रहे हैं, राहुल जी तो देश जोड़ने की यात्रा करते हैं, लेकिन उनका अपनी पार्टी टूटती है हर बार, अब कमलनाथ जी की खबरें आ रही हैं, मनीष तिवारी की खबरें आ रही हैं, टोटल पार्टी मतलब कि उखड़ती जा रही है, और भी लोग हैं ना, इतना बड़ा गठबंधन बना है सामने सामने NDA, सब अपना परिवार, मोदी के चेहरे पे जीत पाएंगे क्या, 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना, कैसे होगा, क्योंकि वो अपना पूरे देश को लेके चलता है, उसका कोई परिवारवाद नहीं है, वो भी चाहता तो अपने किसी भी बंदे को ला के कुछ ना कोई मिनिस्टर बना सकता था, कुछ उन्हें कुछ नहीं किया, ऐसे ही योगी का चक्कर है, इनकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। इतना महंगाई बढ़ रहा है, विपक्ष हल्ला हल्ला मचाया है कि पूरे देश में महंगाई की मार, फिर क्यों मोदी सरकार? कहां महंगाई की मार, पूरे वर्ल्ड का देखो ना आप ग्राफ, हमारी तो महंगाई बिल्कुल काबू में है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो देखो ये हमेशा से ही चली आ रही है, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है, कवर कर रही है, अयोध्या में कह रहे थे, अयोध्या में कितना कवर हुआ, अयोध्या में कितनी कवर हुई, और लोग वहाँ पे खुश हैं।